सो दोस्तों फास्ट ग्रोथ के लिए जो मैं डाइट देता हूँ इनको। जी दोस्तों वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। और हमारे एक बहुत ही अच्छे प्यारे सब्सक्राइबर नवाब साहब, उन्होंने कमेंट किया था कि आप इनको फास्ट ग्रोथ के लिए चिक्स को क्या डालते हैं। सो उन्होंने डाइट के बारे पूछा है दोस्तों। सो आप सभी के लिए भी मैं जो डाइट इनको देता हूँ वो सारी डिक्लेयर करूँगा, जो भी इनका डाइट प्लान है दोस्तों। सो बाकी बर्ड्स भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये चेक करें और माशाल्लाह का कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। ये होम ब्रीड है, घर की फीमेल रेडी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं क्वालिटी। अभी टेल सारी की सारी ये निकाल रही है, जो इसने बचपन के पर है वो धीरे धीरे निकाल जो है वो गिरा दिए हैं। सो अब ये पट्टी बन चुकी है। और मैं डाइट भी दोस्तों आपको बताता हूँ, साथ में कबूतर भी देख ले जाते जाते। सो इधर भी कुछ बर्ड्स हैं, वाइट बर्ड्स यहाँ पर है दोस्तों, वाइट फीमेल कुड़क है। और इधर हमारे जो टॉप मोस्ट क्वालिटी में जो पट्टे थे पोंड्रम और ब्राउन मेल, और ये भी आ गए दोस्तों बर्ड। सो दोस्तों फास्ट ग्रोथ के लिए जो मैं डाइट देता हूँ इनको, वो डाइट आप देख रहे हैं, ये है कनक, बाजरा और मक्की, ठीक है। जब बच्चे कुछ दो ढाई महीने के हो जाते हैं तब मैं ये दाना स्टार्ट कर देता हूँ। जो बच्चे होते हैं उनको देता हूँ स्टार्टर फीड, ये चेक करें, ये स्टार्टर फीड आती है दोस्तों, किसी भी बढ़िया कंपनी की आप ले सकते हैं, थोड़ी महंगी आएगी बढ़िया क्वालिटी में, लेकिन जो स्टार्टर फीड है ये अच्छी होती है। पहले ये डालते हैं, ठीक है, बाद में ये स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। और चोकर जो होता है, चोकर आप देख लें, ये जो बर्ड को चोकर डाल सकते हैं दोस्तों, ये देखें इसमें आप देख रहे होंगे मक्की भी ब्रेक कर कर डाली है चोकर। और हमारे यहाँ तो जो चने होते हैं उनका छिलका भी मिलाया होता है, ये देखें हम जो डेयरी फार्मिंग में यूज़ करते हैं वही चोकर है दोस्तों, ये कनक का छिलका होता है, वीट हस्क बोलते हैं इसे इंग्लिश में, आप गूगल कर सकते हैं। अगर किसी भाई को मेरी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो कि हिंदी में से क्या कहते हैं, वीट हस्क बोलते हैं इंग्लिश में, जो अपने कनक होती है उसका छिलका होता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी इनकी डाइट है और फास्ट ग्रोथ के लिए वो आपके सामने है, जो फास्ट ग्रोथ का राज है दोस्तों, देसी माहौल, ग्रीनरी में छोड़े हैं, जो देसी माहौल में बच्चे पलते हैं उनका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होता है, इनकी जो इम्यूनिटी और ग्रोथ है। और एक बात और, चीपर भी ज़्यादा रहेंगे दोस्तों, चीप रहेगा। अगर आपका फीड का खर्चा ज़्यादा है तो वो शहर में ज़्यादा होगा, अगर विलेज में रखते हैं तो उसका कोई खर्चा नहीं होगा दोस्तों, विलेज में खर्चा भी कम आता है क्योंकि देसी माहौल में ये अपना भोजन जो होता है, अपना फीड होती है, उसे आप ढूंढते हैं यहाँ से। इतने तो कीड़े मकौड़े जो भी, मतलब इनके लिए ग्रीनरी ग्रास बहुत कुछ खाना है दोस्तों इन्होंने। सो यही इनके लिए एक बेस्ट फास्ट ग्रोथ का फार्मूला है। सो यही फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ और कुदरती है, सब नेचुरल है, कोई इसमें आर्टिफिशियल है ही नहीं। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।